नंबर 28। हरियाणा राज्य से कोरोना को भगाने के लिए सरकार ने पूरी तरह से कमर कस ली है। सरकार ने प्रदेश के सभी जिलों में घर घर जाकर स्क्रीनिंग कराने का फैसला लिया है। यह आदेश हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग की टीमें जिलावर इस काम को अंजाम देगी। कोरोना को खत्म करने के लिए प्रदेश के सभी लोगों की स्क्रीनिंग होगी। कोरोना के संदिग्ध मरीजों का पता लगाने के लिए सरकार ने यह कदम उठाया है। सुनिए स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने क्या कुछ कहा। हमने आज कुछ निर्णय लिए हैं, क्योंकि हम हरियाणा से कोविड का समूल नाश करना चाहते हैं। हमारे स्वास्थ्य विभाग की टीमें सारे हरियाणा में घर घर जाएंगी और हर आदमी की स्क्रीनिंग करेंगे, और किसी में भी अगर कोरोना के सिम्टम पाए जाएंगे, जैसे बुखार है, खांसी है, जुकाम है, जो सिम्टोमेटिक कोरोना के माने जाते हैं, तो उन सब के सैंपल लिए जाएंगे और उनको टेस्ट करवाया जाएगा। आपको बता दें कि चंडीगढ़ में गृह व स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में हुई चार विभागों की अहम बैठक में यह निर्णय लिया गया है। बैठक में गृह व स्वास्थ्य के अलावा आयुष व शहरी स्थानीय निकाय विभाग के आला अधिकारी भी मौजूद रहे। बैठक में लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार की गाइडलाइन पर विस्तार से चर्चा हुई। विज ने बताया कि घर घर लोगों की स्क्रीनिंग का फैसला इसलिए लिया गया है ताकि कोरोना के संदिग्ध मरीजों का पता लग सके। इससे कोरोना की बीमारी पूरी तरह से खत्म हो सकेगी। स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज के अनुसार लॉकडाउन पार्ट वन में चारों विभागों ने कोरोना को कंट्रोल करने में बेहतर काम किया है। प्रदेश में कंटेनमेंट जोन और बफर जोन बनाए गए हैं। ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में कंटेनमेंट जोन व बफर जोन की परिभाषाएं अलग अलग है। हरियाणा में जिन इलाकों को कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है, उन इलाकों को पूरी तरह से सील कर दिया गया है। इन इलाकों में आवश्यक वस्तुओं को मुहैया कराने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि लोगों को किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। अनिल विज के अनुसार कंटेनमेंट जोन में रोजाना सैनिटाइजेशन किया जाएगा। पूरे प्रदेश को दूसरे चरण के तहत सैनिटाइज किया जाएगा। प्रदेश के बैंक परिसरों, सब्जी मंडियों, बाजार, करियाना दुकानों, केमिस्ट की शॉप के साथ साथ राशन डिपो धारकों से कहा गया है कि वह अपने प्रतिष्ठानों में शारीरिक दूरी के नियम का पालन करें। बैठक में मुख्य सचिव केशनी आनंद अरोड़ा, गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव विजय वर्धन, स्वास्थ्य सचिव राजीव अरोड़ा, चिकित्सा शिक्षा सचिव आलोक निगम, शहरी स्थानीय निकाय सचिव एस एन राय तथा पुलिस महानिदेशक मनोज यादव समेत कई अधिकारी शामिल हुए। अनिल विज के अनुसार प्राइवेट क्लिनिक खुलवाने के लिए इंडियन मेडिकल एसोसिएशन को पत्र लिखा गया है, ताकि आम जनता की अन्य बीमारियों का इलाज सुनिश्चित हो सके। स्वास्थ्य विभाग को सेवानिवृत्त डॉक्टरों को एक साल के लिए अनुबंध पर नियुक्त करने के लिए कहा गया है, ताकि कोविड 19 महामारी से भली प्रकार से निपटा जा सके। अभी तक 197 डॉक्टरों ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन कर ली है और वेटिंग लिस्ट से 58 डॉक्टरों को ज्वाइनिंग लेटर जारी हो गई। हरियाणा में कोविड 19 के लिए अलग से 9 विशेष अस्पतालों को स्थापित किया गया है। इसमें आईसीयू, वेंटिलेटर व अन्य उपकरणों सहित बेहतरीन डॉक्टरों की टीमों को तैनात किया गया है। कोविड 19 मरीज को केवल कोविड अस्पताल में ही रखा जाएगा। प्रदेश में 411 मोबाइल डिस्पेंसरियों को भी शुरू किया जा चुका है। लॉकडाउन पर गृह मंत्री अनिल विज ने चार विभागों के साथ अहम बैठक की। सुनिए क्या कुछ कहा। आज चार विभागों की मीटिंग थी, स्वास्थ्य विभाग, मेडिकल एजुकेशन, होम डिपार्टमेंट और लोकल बॉडी डिपार्टमेंट। मुख्य रूप से जो कोविड के खिलाफ लड़ाई है, ये चारों डिपार्टमेंट ही फ्रंट पर खड़े होकर उस लड़ाई को लड़ रहे हैं। आज हमने समीक्षा की है और जो लॉकडाउन पार्ट वन था, उसमें इन चारों डिपार्टमेंटों ने बहुत बेहतरीन काम किया है
और इनके बेहतरीन काम करने का ही नतीजा है कि हम जो कोविड पेशेंटों की संख्या है उसको नियंत्रित करने में कामयाब हुए हैं। हमारे आज की तारीख में टोटल जो एक्टिव कोविड पेशेंट हैं वो 149 हैं और इनमें से 122 तबलीगी हैं। अगर ये तबलीगियों का एडिशन ना होता तो आज हरियाणा शायद सारे हिंदुस्तान का सबसे बेहतर जो व्यवस्थित प्रदेश इस लड़ाई को लड़ने में माना जाए। ऐसे ही लेटेस्ट खबरें पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक कर हमारे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। Incredible Marriage Palace, Rajgharana and the finest banquet hall, Jyoti Garden. World-class catering, centrally air-conditioned, lush green lawns, state-of-the-art lighting. A perfect venue for wedding, launching and parties. Rajgharana and Jyoti Garden at JBD Banquets Enterprise.